हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सर? जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के नारे के साथ आज की क्लास चालू करेंगे अपन। लास्ट डिजीज जो अपन ने पढ़ी थी वो एंथ्रेक्स डिजीज थी, एनिमल्स की बड़ी इंटरेस्टिंग डिजीज मैंने आपको पढ़ाई थी, जिसमें आपको पता लग गया होगा कि कोई ऐसी डिजीज भी है जो ह्यूमंस के थ्रू कैटल्स में स्प्रेड हो सकती है। लेकिन आज की जो क्लास है वो भी अपनी बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। इस बीमारी का आपने हिंदी में बहुत नाम सुना होगा। इस बीमारी को अपने पहले जो कॉमन नाम है वो है हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया डिजीज है। ये बहुत बहुत फेटल डिजीज है, इसमें मौत बहुत ज्यादा होती है। इसे हिंदी में गल घोटू डिजीज कहते हैं। गल घोटू यानी कि गले का घुटना, दम घुट के एनिमल की क्या होती है, डेथ हो जाती है। इसके सिम्टम्स बड़े ही विकट है। तो आइए चालू करते हैं फिर आज की क्लास। देखिए, आज की डिजीज का हमारा नाम है हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया। इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज। ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। इसमें जितने भी एनिमल हैं वो किससे इन्फेक्टेड होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और जो 6 महीने का एक बच्चा होता है, खासकर देखिए किस किस में फैलती है बीमारी की बात करेंगे अपन। ये बीमारी फैलती है अपनी गाय के अंदर, भैंस के अंदर, भेड़ के अंदर और बकरियों के अंदर। ये 4 हमारे जो डेयरी एनिमल्स हैं जिसकी हमारी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, उन एनिमल्स को ये बीमारी बहुत ज्यादा इंफेक्टेड करती है। ठीक है, चलिए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। एक तो ये 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है, गाय का या भैंस का, अगर आपने उसको वैक्सीन नहीं करवाया, देखिए अगर ट्रीटमेंट आपने नहीं करवाया, सही से प्रिवेंशन आपने नहीं रखी है, तो 6 महीने से लेकर के जो 2 साल का बच्चा होता है, ठीक है, जो गाय होती है या भैंस होती है, वो 6 महीने से 2 साल की रहती है, तो सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड होने के चांसेस है उनके, कि वो इस बीमारी से क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे। सांस लेने की तकलीफ होगी, सांस आएगा नहीं, और एनिमल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एनिमल्स की डेथ रेट बढ़ जाती है अगर एक बार उसमें सिम्टम्स आ गए। सिम्टम्स कौन से हैं वो भी पढ़ेंगे अपन। भाई अगर एक बार एनिमल इनिशियल स्टेज पे खुद को रिकवर कर लेता है, उसकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, तब तो काम चल जाता है। लेकिन अगर एक बार इन्फेक्टेड हो गया एनिमल, ठीक है, फिर उसे बचाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसकी डेथ रेट है वो बहुत ज्यादा है। 80-90% एनिमल इसमें सर्वाइव नहीं कर पाते। अगर एक बार बीमारी आ गई तो उस एनिमल की क्या हो जाती है, डेथ हो ही जाएगी। तो 80-90% मैंने बताया आपको, 80-90% तक के एनिमल्स तो इसमें क्या हो जाते हैं, इजिली मर भी जाते हैं। ठीक है, इस बीमारी के बढ़ने के एक और चांसेस है, जो खाली चरने वाले एनिमल होते हैं ना, जो घूम करके दूर दूर तक चर के आते हैं, वो एनिमल ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं इससे। ठीक है, तो जो इस डिजीज को, भाई जो घूमने वाले एनिमल्स में स्प्रेड होती है, इसीलिए इसका एक और नाम है, शिपिंग डिजीज भी बोलते हैं इसको। शिपिंग, शिप वाला नहीं है, ये वाला शिप नहीं है जो भेड़ को बोलते हैं, शिपिंग ट्रेवलिंग वाला है। शिप जो वाले यूज करते हैं ना, शिपिंग वाला, ट्रेवलिंग वाला पर लिए, ठीक है, शिपिंग ट्रेवल वाला, ठीक है ना। तो क्योंकि डिजीज क्या हो जाती है, शिपिंग वाले एनिमल्स में भी फैल, मतलब जो शिपिंग के थ्रू फैलती है, तो इसीलिए इस डिजीज का नाम, कॉमन नाम के अलावा एक उपनाम पड़ गया है। जैसे अपने लास्ट डिजीज देखी थी ना अपन ने, पॉइजनस फीवर बोलते थे जिसे, ठीक है, एंथ्रेक्स को, और या फिर उसे बोलते हैं स्प्लिन डिजीज भी कहा था अपन ने। ऐसे ही ये डिजीज है, इस डिजीज को अपन कहेंगे कौन सी, शिपिंग डिजीज। ठीक है, याद रहेगा, चलने फिरने वाली बीमारी, क्योंकि चलने फिरने की वजह से हो गई है ये बीमारी। चलिए जानते हैं आज डिजीज के बारे में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गलगोटू डिजीज या हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया है ये, का भी प्रेजेंटेशन अपने साथ में रखना है। ठीक है, चलिए पैथोजन देखते हैं इसका। पैथोजन देखिए, आप भी तक अपन ने जितने भी एनिमल्स पढ़े थे, अभी तक अपन ने जितने भी डिजीज पढ़ी थी, उनमें ना कॉमन बैक्टीरिया या कॉमन वायरस के थ्रू एक डिजीज स्प्रेड हो रही थी। कोई भी बीमारी थी तो कोई कॉमन वायरस आ जाता था या कॉमन बैक्टीरिया आ जाता था, उससे वो डिजीज स्प्रेड हो जाती थी। लेकिन जो ये डिजीज है, ये हर एनिमल में क्या होती है, अलग अलग स्प्रेड होती है। मतलब इसको स्प्रेड करने के लिए अलग अलग बैक्टीरिया की फॉर्म्स है, अलग अलग बैक्टीरिया फॉर्म्स है, जैसे गाय की अलग है, भैंस की अलग है, भेड़ बकरियों की भी अलग अलग है। तो देखिए, गाय है, गाय के अंदर डिजीज है, वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है पोस्टोरेला बोविसैक्टीरिया, उससे ये स्प्रेड डिजीज होती है। क्या नाम है, पोस्टोरेला बोविसैक्टीरिया, ठीक है, यह बैक्टीरिया है जो गाय का फैलाता है। ठीक है, गाय का, और फिर भैंस की बात करें तो बैक्टीरिया नाम चेंज हो गया है, पोस्टोरेला तो इसकी जो फैमिली है वो कॉमन रह गई, बुबेली सेप्टिका। देखिए ये वर्ड है ना, आपको याद रखना है, ठीक है, ये वर्ड है ना याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल आया है। इसका नाम रखना बड़ा इजी है। अगर आप में से किसी बच्चे को गाय का, भैंस का, भेड़ का, बकरी का, एग्रीकल्चर के बच्चों, चारों को, इन 4 जानवरों का तो बॉटनी का जूलॉजिकल नाम आपको आना ही चाहिए। इनका जो
साइंटिफिक नेम होता है वो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। गाय का अपना नाम है बोस इंडिकस। क्या नाम है? बोस इंडिकस। अगर अपन इसकी भेड़ की बात करें तो देखो इसका नाम सिर्फ भैंस की बता देता हूं मैं आपको, इसे बोलते हैं बुबेलिस बुबेलिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? बुबेलस बुबेलिस। स्पेलिंग है इसकी BU बुबेलस बुबेलिस। ठीक है ना, आप याद रखिएगा क्या नाम है इसका, बुबेलस बुबेलिस। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ये इसका किसका नाम हो गया? ये हमारे बफेलो का नाम हो गया। ठीक है, अगर अपन बात करें इसकी तो देखो अभी अभी अपन ने एक डिजीज का नाम चेंज किया, देखो बोवी सेप्टिका से क्या कर दिया है, बोवी सेप्टिका कर दिया। तो देखिए यही नाम वर्ड यूज किया गया है, पहले जो ये वर्ड है यहां से आता का यही नाम यूज किया है कि बफेलो में डिजीज हो जाती है, तो इस वजह से इसका नाम क्या कर दिया है, ये रख दिया है। अगर अपन बात करें किसकी, बकरियों की या भेड़ों की, तो देखिए जो भेड़ होती है उसका नाम होता है अपना कैप्रस ओविस। ठीक है, इससे इसका नाम ओविस नाम था। ठीक है, सॉरी ओविस एराइजर होता है, तो इस ओविस से इसका नाम क्या पड़ गया है, इस बैक्टीरिया का नाम क्या रख दिया है, पोस्टुरेला ओविस। ठीक है, तो आप याद रखेंगे बकरी का नाम होता है वो होता है कैप्रा हायरिकस। क्या नाम होता है? कैप्रा हायरिकस। ठीक है, तो ये चार नाम मैंने आपको बताया, कैप्रा हायरिकस ओविस और भैंस का बताया आपने को, बुबेलिस बुबेलिस और गाय का बता दिया मैंने आपको क्या, बॉस इंडिकस। तो ये चार कुछ कॉमन नाम है, अगर आप ये याद रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है क्योंकि ये हमेशा काम में आते रहते हैं अपने। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे चालू करते हैं। तो इनके चार अलग अलग बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या करता है, ये चार जो अलग अलग तीन जो बैक्टीरिया है, बकरी का और भेड़ का बैक्टीरिया कॉमन है, ओविस पोस्टुरेला ओविस जो बैक्टीरिया वो कॉमन है, गाय और भैंस में दोनों में अलग अलग है, उसमें बोवी सेप्टिका है, इसमें बुबेलिस सेप्टिका है। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या करता है, बॉडी के अंदर आने के बाद में टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर देता है, इसके स्पोर बनने लगते हैं, बैक्टीरिया में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है। पूरी बॉडी में फैलेगा तो पूरी बॉडी को क्या कर लेगा, अपने कंट्रोल में कर लेगा, जिससे वो बॉडी क्या हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, धीरे धीरे एनिमल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि इट्स अ वेरी हार्मफुल बैक्टीरिया विच कैन लीड टू डेथ। ठीक है, तब तक परेशान करके रखता है एनिमल को जब तक कि उसकी क्या नहीं हो जाती, मौत नहीं हो जाती। चलिए मेथड ऑफ ट्रांसमिशन देखें। जनरल मेथड मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि कंटामिनेटेड फूड से भाई कोई भी बैक्टीरिया या वायरस वगैरह वो सबसे जल्दी कहां पहुंचेगा, आपके इसमें फूड में पहुंच जाएगा, पानी में पहुंच जाएगा। एनिमल क्या करता है, खाना खाता है, जनरल लेकिन मैंने लिख रखा है यहां पे कंटामिनेटेड फूड या वाटर से। ठीक है, अपन देखें कंटामिनेटेड फूड और वाटर और सोइल भी हो सकता है या सीक्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज है वो ये लाइन आपको हमेशा रखनी है, कोई बैक्टीरियल डिजीज हो, बोर्ड वाले बच्चे ध्यान रखें कि कोई भी डिजीज आई है तो वो जनरली खाने से, पानी से और मिट्टी से फैल जाती है। ठीक है, तो ये जो डिजीज है वो किससे जा रही है, हमारी जो चारा खाने एनिमल उससे, पानी से और सॉइल से जाती है। ठीक है, इसके अलावा ब्लड सकिंग जो इंसेक्ट होते हैं जैसे मॉस्किटो है हमारे पास में, जो फ्लाईज आ जाती है हमारे, मक्खियां आ जाती है, ठीक है, वो घावों पे बैठ जाती है, चोट लगी हुई एनिमल है उसके घावों पे बैठ गई, वहां से बैक्टीरिया को क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। एक अनहेल्दी बैक्टीरिया अनहेल्दी एनिमल है कोई, ठीक है, कोई गाय है भैंस है कुछ भी बीमार है और उसमें हमारे सेप्टिसेमिया के बैक्टीरिया है उसमें, तो वो क्या करेगी, ब्लड जब वहां का सक करके दूसरे हेल्दी एनिमल में बैठेगी तो उसके बैक्टीरिया वहां से लेकर के यहां तक ट्रांसपोर्ट कर देगी। ट्रांसपोर्ट का मतलब है वहां से यहां तक ये बैक्टीरिया को इजीली ट्रेवल करवाएगी और उस एनिमल को क्या कर देगी, बीमार बनाने में हेल्प करेगी। तो जो ये इंसेक्ट होते हैं एनिमल्स के, अपन देखते हैं टिक्स वगैरह भी लग जाती है, मॉस्किटोज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कई बार मक्खियां बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो बहुत ज्यादा काम करती है किसका, ट्रेवलिंग का। इवन कंटामिनेट फूड कंटामिनेशन में भी हेल्प करती है। फूड कंटामिनेशन का मतलब मेरा कि यहां से क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई अनहेल्दी एनिमल है उसका जो चारा है उस पर बैठ गई, वहां से उसके बैक्टीरिया उनके विंग्स पे या फिर उनके लेग्स पे पेस्ट हो गए। ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं, हेल्दी एनिमल के जो चारे पे या पानी पे बैठती है तो वहां पे वो बैक्टीरिया को क्या कर दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है। जब वो हेल्दी एनिमल उस चारे को फोडर को खाता है या पानी को पीता है या सॉइल को यूज करता है तो क्या हो जाता है, वो बैक्टीरिया उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और इस तरीके से अच्छा खासा हेल्दी एनिमल क्या हो जाता है, डिजीज हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब है हमारे जो फूड पाइप है। ठीक है,
जो आहार नाम जिसे बोलते हैं उससे भी ये बीमारी क्या होती है, बहुत इजीली स्प्रेड होती है। एनिमल को सबसे ज्यादा इन्फेक्ट करने का मीडियम यही है, ये एलिमेंट्री कैनाल खाने के थ्रू या किसी और पानी के थ्रू ये पहुंच जाती है और धीरे धीरे पहुंच जाती है कहां पे, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पे। तो जो ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को ही अफेक्ट करती है, गले को, पैरों को, इनको ज्यादा इफेक्ट करती है। सांस लेने में तकलीफ हम करती है, मैंने जैसे बीमारी का नाम आपको समझाया ना, गलघोंटू बीमारी है। कैसी है? गलघोंटू। तो इसमें क्या होने लगता है? गला घुटने लगता है। तो ये डिजीज क्या होने लगती है? गला दबाने वाली जैसी अपीयर होती है। तो इसमें क्या होने लगता है? एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू खाने के साथ चले जाते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक में पहुंच जाते हैं। अपने जो बैक्टीरिया जब पॉइजन बनाना चालू करता है, केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करता है, उसकी वजह से उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक पूरा क्या हो जाता है? चौक हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अफेक्टेड ऑर्गन की बताता हूं मैं आपको। देखिए इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, वो सबसे ज्यादा इंफेक्टेड होगा। ठीक है, और गला, इनमें क्या होने लगती है? स्वेलिंग आ जाती है। क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है। और स्वेलिंग आ जाएगी ना, तो ये वाला हिस्सा है ना एनिमल्स का, चोक हो जाएगा। एंड जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ट्रेकिया जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होने लगेगा? चोक होने लगेगा। आप जब आपको जुकाम हो जाती है सर्दी में, ठीक है, तो आपका गला बिल्कुल रुंधा जाता है, बंसा हो जाता है और आप सांस लेते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, खर खर की सी आवाज आती है, ऐसे आपको फील होता है कि सांस अंदर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, एक सीटी सी बजने लगती है, अजीब सी वॉइस क्रिएट होती है। ऐसा ही एनिमल्स के भी साथ होता है, एनिमल थोड़ा सा परेशान होगा और एक या दो चार दिन में ही उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो ये तीन चीज पढ़ी है मैंने, पैथोजन पढ़ा दिया मैंने आपको, अफेक्टेड ऑर्गन बताया आपको, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन समझा दिया। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट चीजों की, जो उनकी है हमारे सिम्टम्स, विच आर वेरी इजी टू डायग्नोस, जिन्हें देखते ही आप समझ जाओगे कि अरे ये तो एनिमल हमारा किससे इन्फेक्टेड है, ये इस किसान भाई का एनिमल किससे इन्फेक्टेड हो गया है, गलघोंटू डिजीज, सेप्टिसेमिया हो गया है इसको। चलिए देखते हैं। देखिए पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे तेज फीवर आता है इस बीमारी में, क्या होता है? सबसे भयंकर फीवर आता है और जिस तरीके से आपके बुखार आता है सर्दी में, आप क्या करने लगते हो? कब कबाने लगते हो? वैसे इनके साथ भी होने लगता है। एनिमल को क्या होने लगती है? फीलिंग होने लगती है। दिस इज द इंपॉर्टेंट सिम्टम जो मैंने अभी तक कहीं नहीं बताया था आपको कि शिवरिंग होती हो, ये बीमारी ऐसी है जिसमें एनिमल क्या होने लगेगा? सर्दी से कांपने भी लगेगा। स्वेलिंग आ जाती है उसके गले में, बिटवीन फोर लेग्स, BW मतलब मैंने शॉर्टकट में बिटवीन लिख दिया है, फोर लेग्स, जो उसके आगे के पैर हैं उनके बीच का हिस्सा है। ठीक है, जैसे ये एनिमल के आगे का पैर का जो हिस्सा है उनके बीच में यहां वाले हिस्से में क्या होने लगती है? स्वेलिंग आने लगती है, गले में स्वेलिंग आ जाती है जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ठीक है, इसके अलावा जिस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में क्या होने लगेगी? बहुत मुश्किल हो जाएगी एनिमल को सांस लेना, क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होने लगता है? एनिमल हबल करने लगता है, संकट में आ जाता है, परेशान होगा, बेचैन हो जाएगा, बिल्कुल रिलैक्स पोजिशन में नहीं रहेगा, या तो गिरेगा या फिर मूव करता रहेगा, क्योंकि उसे सांस लेने में क्या हो रही है? बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और जैसे जैसे सांस लेता है वो, जैसे जैसे सांस लेने की कोशिश भी करता है तो एक अजीब सा साउंड क्रिएट होने लगता है, पिकुलर साउंड बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? पिकुलर साउंड कहते हैं, कि उसमें एनिमल को क्या होती है? ब्रीदिंग की समस्या होती है, बहुत ज्यादा ज्यादा ऐसे करने लगता है। ठीक है, इसके अलावा माउथ में से, नोज में से उसके सीक्रेशन आने लगते हैं, म्यूकस उसके क्या होने लगता है? सीक्रेट होने लगता है और उसके अंदर नंबर ऑफ बैक्टीरिया मिलियंस में होते हैं। जैसे जैसे वो सीक्रेशंस गिरेंगे दूसरे एनिमल्स को भी क्या कर देंगे? बहुत इजीली इंपैक्ट कर देंगे। तो उसके जो नाक से और जो उसके माउथ में से जो निकलने वाले झाग जैसी फॉर्म में आएंगे, फॉर्म जैसा स्ट्रक्चर्स निकलेंगी, उसमें मिलियंस नंबर में बैक्टीरिया होंगे। इसीलिए ऐसे एनिमल्स को क्या कर देना चाहिए? प्रिवेंशन के लिए अपने को अलग रखना चाहिए, आइसोलेशन वार्ड में। ठीक है, आंखें बिल्कुल लाल हो जाएंगे, रेडिश आईज हो जाएंगी, बिल्कुल आपके चारों तरफ से जो पुतलियों की जो व्हाइट कलर का जो फॉर्म होता है उसके ऊपर क्या होने लगेगी? रेडिशनेस आ जाएगी बिल्कुल, और आंखों में चारों तरफ सूजन महसूस होगी, अपने को साफ अपीयर होगा कि एनिमल की नॉर्मल आईज नहीं है, आंखें लाल है और सूजी हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अपने अभी तक कहीं नहीं देखा था। ठीक है, चलिए फिर मैंने जैसे बताया एनिमल की डेथ होना स्वाभाविक है ऐसी बीमारी में, क्योंकि सांस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर सिम्टम्स बढ़ गए हैं, अगर ये सिम्टम्स है ना, ये वाले और ये तीन वाले सिम्टम्स क्या हो गए? बहुत ज्यादा बढ़ गए ना, तो ऐसी कंडीशन में एनिमल की डेथ फिर फिक्स हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट किस वही है अपने पास में, कुछ कुछ इंजेक्शन है, कुछ मेडिसिन है, किसके लिए? स्वेलिंग के लिए और कुछ पेन के लिए।
तो सबसे पहले इंजेक्शन अपने पास में सल्फेमेटाइन का लगाना, अपने को 30 ml लगाना है 50 kg एनिमल के हिसाब से। भाई एनिमल अगर छोटा है, जैसे मान लीजिए काल की है, छोटा बछड़ा है, 6 महीने से डिजीज स्टार्ट हो गई, तो 50 kg के आसपास वजन होगा, तो आप 30 ml लगा दीजिए। अगर वजन 100 kg हो गया है, ठीक है, यहाँ पे इस चीज को एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ क्या चीज लिखी है यहाँ पे हम, तो 30 kg आपको क्या करना है पर 50 kg वेट पे लगाना है, ठीक है। अगर एनिमल 100 kg 50 kg का है तो 30 ml लगाना है, कितना 30 ml। और अगर एनिमल 100 kg का हो जाता है, कितना हो जाता है 100 kg का हो जाता है, तो इसकी क्वांटिटी कितनी कर देंगे, डबल कर देंगे, ठीक है। अगर एनिमल 50 kg का बड़ा एनिमल हो तो इसको कर देना है कितना 90 ml, ठीक है ना। तो ये चीज बताई गई है और ये इंट्रा मस्कुलर लगेगी, IM लगेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, स्वेलिंग कम करने के लिए अपने पास में है प्री डायनासोर बैंड, जो 10 से 15 ml तक लगती है, ये भी इंट्रामस्कुलर लगती है, ये इंट्रावेनम लगती है, ठीक है। अगर दर्द हो रहा है तो डेक्सोनिन या निमोवेट का इंजेक्शन दो 10-15 ml तक का, ठीक है, जो इंट्रामस्कुलर होंगे। और ये ध्यान रखना है वो स्वेलिंग और पेन इंजेक्शन तो घर पे भी लगा लेते हैं, बाकी सारे इंजेक्शन अपने को वेटनरी के थ्रू करवाना है, ठीक है। वेटनरी डॉक्टर को आपको कॉल करना चाहिए अगर ऐसे सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, बुखार है एनिमल को और क्या हो रही है, आपके लाल वगैरह हो गई है, तो आप समझ तो जाएंगे कि डिजीज कौन सी आ गई है, सख्ती सामने डिजीज है हमारे एनिमल को, तो ऐसे में कंडीशन में तुरंत वेटनरी को कॉल कर लेना चाहिए। प्रिवेंशन देखते हैं क्या होगी, पहली चीज तो यही है वैक्सीन करवाओ भाई, ठीक है। और HS का मतलब हमारे डिजीज का नाम है हेमोरेजिक सेप्टिमिया, HS, ठीक है ना। HS जो मैंने लिखा है वो शॉर्ट में लिख दिया है, मई और जून के मंथ में पर्टिकुलर इसी का इंजेक्शन लगता है, ठीक है, वैक्सीन लगता है 3-4 साल तक, फिर आपका एनिमल हेल्दी रहेगा, फिर नहीं होगी। या फिर है ना 3 अलग अलग स्टेजेस में इसके इंजेक्शन लगवाए जा सकते हैं, एनिमल जब 6 महीने का होगा तब आप HS की वैक्सीन करवा लो, 5 ml की मैंने बताया अभी आपको, नहीं है तो आप दूसरा एक इंजेक्शन और लग सकता है जिसमें सेप्टिसेमिया, कौन सा, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया HS BQ, ब्लैक क्वार्टर डिजीज जो थी अपनी, अपने पढ़ी थी ना पहले ब्लैक क्वार्टर, ठीक है, वो डिजीज का और इसका इंजेक्शन दोनों का लगवा सकते हो। तीसरी चीज अगर ये भी नहीं करवा रहे तो एक इंजेक्शन और लगवा सकते हैं अपन, जिसमें HS, सेप्टिसेमिया, ब्लैक क्वार्टर और फूट एंड माउथ डिजीज, तीनों का वैक्सीन साथ में भी लग सकता है, जैसे अपने छोटे बच्चों में कई इंजेक्शन एक साथ लगते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इनके भी लग सकता है। तो दिस इज द मोस्ट सुटेबल वैक्सीन, HS, सेप्टिसेमिया, ब्लैक क्वार्टर और फूट एंड माउथ डिजीज का वैक्सीन आप करवाओ एनिमल को, तो तीनों बीमारी से एनिमल क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ प्रिवेंशन है जो आपको जनरली ध्यान रखनी है, कंटामिनेटेड फूड से बचाएंगे अपन एनिमल को, साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि अपना एनिमल क्या रहे साफ सुथरी जगह पे रहे, फिनाइल वगैरह से उसको क्या कर देना चाहिए, वॉश कर देना चाहिए। अगर कोई एनिमल बहुत ज्यादा डिजीज हो गया है तो उसे आइसोलेट कर देना चाहिए, अलग जगह पे रखना चाहिए, जनरल प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए, एनिमल शेड्स हवादार होने चाहिए, खुले होंगे, बैक्टीरियल ग्रोथ कम होगी, ठीक है। तो ये इन चीजों का आप हमेशा ध्यान रखेंगे और खासकर वैक्सीन का, एनिमल्स को वैक्सीन अगर टाइम टू टाइम करवाएंगे तो इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए आज की क्लास यही ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नई डिजीज के साथ में, चैप्टर हमारा तो कंप्लीट होने के बिल्कुल पास में आ गया। चलिए जय जवान जय किसान जय विज्ञान।